नमस्कार दोस्तों, ये देखा आज हम लोग आज टमाटो सूप बनाएंगे। इसमें जीरा कढ़ाई को गर्म कर लेना है, जीरा डाल लेना है, हल्का लहसुन प्याज मिर्च डाल दिए हैं इसमें, हल्का हल्का गर्म हो रहा है। इसमें भी नमक हल्दी सब डालेंगे। ये टमाटो देखिए काट के रखे हुए हैं टमाटर, इसको भी डालेंगे अभी। और ये छोटा सा पैकेट में मैगी मसाला रखा हुआ है। और इसमें हम ये एवरेस्ट का मिर्च मसाला भी डालेंगे और सब्जी मसाला भी डालेंगे थोड़ा एवरेस्ट का। ये सब्जी मसाला भी है एवरेस्ट का, भी डालेंगे। अब ये लगभग भुना गया है, ये इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा हल्दी डालेंगे इसमें। अब हल्दी लिया, हल्दी थोड़ा हल्दी डालेंगे इसमें और थोड़ा थोड़ा मसाला भी डालेंगे। ये थोड़ा हल्दी डाल दी है अभी, और डालो थोड़ा सा और मसाला भी, थोड़ा मसाला दो। हाँ खोलो, थोड़ा इसमें नमक मसाला डलेगा अभी। ये बच्ची है, ये देखिए अभी लगी हुई है खाने के चक्कर में, पैकेट वैकेट खोल रही है मसाले का। ये इसमें सब्जी मसाला थोड़ा डालेंगे भूजने के लिए इसको। ये मसाला डल गया है थोड़ा, ये मसाला हल्का भूजेंगे, गरम हो गया है, भूज गया था, आज थोड़ा कम कर लेंगे। ये भी ये देखिए मसाला भूज रहे हैं सब, नीचे ही थोड़ा हल्का भुना जाएगा, भुना गया है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, टमाटर ले आओ, ये देखिए टमाटर डाल दिया पूरा। अब इसको भूजेंगे, इसके बाद इसमें नमक डालेंगे ताकि गले जल्दी। इसको भी थोड़ा भूजने के बाद मटर डाल देंगे लास्ट में, लास्ट में लगेगा उसको। मटर तो दिए नहीं छील के, मटर भूजते नहीं अभी इसमें। ओके बंद करो, ले आओ। अभी थोड़ा टमाटो पड़ा है इसमें, इसको थोड़ा ढकेंगे अभी नमक वगैरह डाल के। ये मेरा नमक है, ओके मैं नमक रखा हुआ है, नमक रख खोलो, बहुत ठीक आ रहा है नमक। वो खोलो ना, कहा तिराहा दे के तो काट के रख दिए, बिजी हो गए फट से। यहाँ वाह, पैकेट खोल दिए तुरंत, छोड़ो। देखिए नमक डालना है थोड़ा, इसके बाद नमक जो है इसमें, अब ये नमक डालने से गलेगा। थोड़ा मटर भी डाल देते हैं, इसको पहले डालना था मसाले के साथ, भूजना था मटर को, ये पहले थोड़ा सा डाल देते हैं। दुकान सब्जी में निकला जाएगा, इसको ढकेंगे थोड़ा सा तब गले जाएगा, दो प्लेट ढकने वाला। तो
ढक देते हैं। ढक गया है, इसके बाद हम लोग पानी डालेंगे इसमें, अभी ढक देते हैं, थोड़ा देर गर्म होगा, पकेगा, फिर पानी डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए अभी पक रहा है, धीरे धीरे, कितना अच्छा है, एकदम कलरफुल दिख रहा है, लाल। ये ओरिजिनल टमाटो सूप है, दुकान में पार्टियों में खाते होंगे आप, इससे कुछ हट के रहेगा अपना। ओरिजिनल टमाटो सूप है ये, देखिए पूरा अभी ये गल जाएगा एकदम। ये देखिए अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, बहुत टाइट है ये, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं लगा के। और ये हमारा भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, अभी हल्का पानी भी इसमें पड़ेगा, इसको भी हल्का पानी डालेंगे हम इसमें, थोड़ा ये बढ़िया से ये हो जाए। ये देखिए लगभग लगभग पक गया है टमाटर, और इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए एक भी बड़ा पीस नहीं दिखा है टमाटर का, तो कच्चा रहने की वजह से बच जाता है, ये बड़ा पीस अभी देखिए पानी डालेंगे अभी, देखो पानी डाल दे रहे हैं हम लोग, हाँ और लो पानी। ये देखिए अभी ये और पकेगा बढ़िया से, इसको फिर से हम ढक देंगे। अब ये देखिए पूरे सूप के रूप में बन गया है ये टमाटो, ये देखिए पूरा फर्स्ट क्लास, कितना अच्छा कलर दिख रहा है, देख रहे हैं बस 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 हो गया, इसको अब और पकेगा थोड़ा ये, इसके बाद हम लोग ये बाद खाया जाएगा, पकेगा कुछ देर तक ये। अब ये लास्ट में हम लोग मैगी मसाला डाल दे रहे हैं हल्का ऊपर से, थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए, बस हो गया है। अब ये कुछ देर में पक के तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग इसका सेवन करेंगे। ये देखिए अब इसमें उबाल आने लगा है, ये देखिए पूरा झाग दे रहा है, उबाल आने लगा है, अभी कुछ देर तक उबलेगा। धीरे धीरे उबल रहा है, ये देखिए उबाल आ रहा है फर्स्ट क्लास। अभी अब 5 मिनट में लगभग बन गया, तैयार हो जाएगा, देखिए बड़ा स्पीड से उबल रहा है, इसको थोड़ा उबलने देंगे हम लोग। ये देखिए उबलने की स्पीड देखिए उबलने की, जल्द से जल्दी अभी बन के तैयार होगा। ये दोस्तों लगभग बन के तैयार हो गया है, अब इसको उतारेंगे, थोड़ा सा ठंडा होगा और पीने के हिसाब से, नहीं तो जितना फूक फूक के पियेंगे इसको। अब ये कंप्लीट है अपना, अब इसको हम उतारेंगे और पिया जाएगा इसको, आप लोग भी ऐसा बनाएं और सूप का मज़ा लें, नहीं तो अभी तो आ नहीं पाएंगे, अगर आएंगे तो आइए, हम अभी सूप आपको टेस्ट कराते हैं, नहीं आ पाएंगे तो उसी प्रकार से बनाएं और खाएं, मज़ा लें। धन्यवाद, नमस्कार।